हेलो गाइस, मेरा नाम हिमांशु सिंह है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे टिनिटस कैसे हुआ, मतलब मेरी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, मैंने क्या गलती कर दी अनजाने में जो जिससे कि मुझे टिनिटस हो गया। ठीक है, इसके कई सारे कारण होते हैं, वो मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं कि क्या-क्या कारण हो सकता है। लेकिन जो मुझे लगता है जो मेरा कारण है आज मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है माय स्टोरी, मैं जिसमें मैं अपनी सारी स्टोरी सारा कुछ बताऊंगा, मैंने क्या-क्या किया और कितना पैसा खर्च किया और कहाँ-कहाँ गया। सो ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, उस सीरीज का। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे याद है मैंने आज से 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, मैंने क्या किया था, जिम स्टार्ट किया। जिम स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे से किया, 1 साल किया। ठीक है, और उसमें गलती मैंने क्या की, मैंने बहुत हैवी वेट का इस्तेमाल किया, हैवी वेट उठाया। ठीक है, हैवी वेट और थोड़ा गलत डायरेक्शन में भी उठा लिया। ठीक है, लगातार ये करता रहा, इससे क्या हो गया, लगातार गलत डायरेक्शन में जिम करते हुए, ठीक है, वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, हैवी वेट। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे जो यहाँ से मेरी नसें जाती हैं, ठीक है, शोल्डर से, कंधे से नसें जाती हैं, यहाँ से होकर ये कान से अटैच होता है यहाँ पे अंदर, और ये अब ये कान के ऊपर ये नसें ऐसे घूम के जाती हैं। यहाँ से क्या हुआ, ये नसें ना बहुत स्ट्रेच हो गई, बहुत खिंच गई और अलग डायरेक्शन में खिंच गई। उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया नसों में, ठीक है, स्ट्रेच हो गई नसें। अब स्ट्रेच होने पे क्या हुआ, स्ट्रेच होने पे उसका इफेक्ट कान पे आया, कान पे इफेक्ट आया, उससे क्या हुआ कि कान की नसें भी स्ट्रेच हो गई। और कान के पर्दा जो होता है उसमें क्या होता है, वहाँ पे एक सेल होती है, कोशिका सेल होती है, जिसे हम कॉकलियर हेयर कहते हैं, कॉकलियर हेयर से जानते हैं। एक्चुअली में क्या है, वो एक कोशिका है, कैसी कोशिका है, फैट फैट सेल होती है, वो फैट सेल होती है, वसा का बना हुआ, वो जो कॉकलियर हेयर होता है वो वसा का बना हुआ होता है और बहुत ही, समझ लीजिए, बहुत ही बारीक होता है। तो वो अगर आपका डैमेज हो गया तो समझ लीजिए वहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो जाए, वाइब्रेशन कंपन शुरू हो जाएगा उस हेयर, ठीक है, हेयर डैमेज होने से। और उससे क्या होगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, साउंड शुरू हो जाएगा, साउंड शुरू हो जाएगा तो वो डाटा भेजने लगेगा, वो सिग्नल भेजेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑडियो कार्ड में, और फिर वो सेंस करेगा आपको माइंड वाइज पी सी इस तरह का। तो ये रीज़न था, ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, स्ट्रेच होने के बाद कॉकलियर हेयर जो है वो डैमेज हुआ। ठीक है, ठीक है, अब वो रिपेयर भी होता है, रिपेयर कैसे होता है मैंने किया है, ठीक है, मेरा क्योर हुआ है 100%। अगर उसको डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैसेज करोगे तो बताऊंगा, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और फिर क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद मैं, ठीक है, परेशान होने लगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। आवाज़ आता था, नींद नहीं आती थी, और नींद आती भी थी तो मतलब अचानक उठ जाता था ऐसे, और पी हमेशा आवाज़ चले। फिर क्या किया मैं मुझे लगा कि माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, दिमाग में, सबसे पहले दिमाग सबको यही लगता है, जिसको जिसको भी है उसको लगता है माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर से बात करता है। ठीक है, तो मैं भी क्या किया कि एक दिमाग वाले डॉक्टर, माइंड का जो डॉक्टर होता है उसके पास गया। ठीक है, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा डॉक्टर था प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वो SPS चौहान नाम है उनका, तो वो फॉरेन भी जाते हैं यहाँ भी, तो उनको मैंने दिखाया और काफ़ी दवा उन्होंने दिया लिखा, ठीक है, और सीटी स्कैन भी कराया, सीटी स्कैन मैंने कराया, सीटी स्कैन इसका 2-2 हज़ार रुपये उसका लग गया सीटी स्कैन का। देन फिर मुझे दवा मेडिसिन काफ़ी अच्छी मेडिसिन उन्होंने लिखी, अकॉर्डिंग टू मेरे स्ट्रेस लेवल के हिसाब से लिखा। ठीक है, उन्होंने, मुझे भी क्लियर नहीं था और ना उन्हें भी सही से पता है, कि मैंने बताया भी नहीं सही से कि आवाज़ आती है सर। ठीक है, उन्होंने स्ट्रेस के हिसाब से और बुखार के हिसाब से दवा वगैरह दे दी, और स्ट्रेस की दवा जो मैंने खाई है, और नींद की भी दवा दे दी थी, नींद की भी, तो उससे क्या हुआ, 2-3 दिन मैंने खाया और मुझे काफ़ी फ्रेश लगा, मतलब मैं, अब दर्द की दवा खाओगे तो यार क्या होगा, मतलब हैवी नहीं लगेगा, हैवीनेस चली जाएगी, माइंड की भारीपन खत्म हो जाएगा, उससे क्या होगा,
उससे आप बहुत इजी और फील एकदम फ्री फील करें, एकदम हल्का, ठीक है, हल्का फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे। तो मुझे लगा यार मैं तो ठीक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक महीने दवा की मैंने, एक महीने, फिर उसके बाद दवा उनकी बंद कर दी और मुझे लगा मैं ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, आवाज़ शुरू हो गई फिर से, दवा बंद किया, ठीक है, फिर से हाइवनेस, भारीपन, स्ट्रेस फिर धीरे धीरे शुरू हो गया। धीरे धीरे फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी, नींद कम हो गई, स्ट्रेस हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा गुस्सा आता था, मतलब एंग्रीपन हो गया, किसी से ढंग से बात नहीं करता, ढंग से किसी से बात नहीं करता था, हमेशा गुस्से में, ठीक है, कोई भी किसी भी काम में मन नहीं लगता था किसी भी काम में। सो इस वजह से क्या होता है यार, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया था, बहुत फ्रस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें थी यार, और इन और दवा वगैरह मिला के इसमें मेरा कितना खर्च हुआ था, 4 से 5 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये यहाँ पर खर्चा हो गया सिर्फ माइंड वाले दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाने से, ठीक है, उनको दिखाने से मेरे इतना पैसा खर्च हुआ। फिर क्या, परेशान हो गया। अभी अब उसके बाद का क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगला पार्ट मेरा देख सकते हो अगर, ठीक है, अगला पार्ट प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, इसका वो मैंने क्योर किया है, 100% क्योर किया, मैं बता सारा मैं बताऊँगा उसको, ठीक है, इसका अल्टरनेट ऑप्शन है कि नहीं ये सारा भी बताऊँगा। उसके लिए आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, सारा कुछ बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अब आगे की जो स्टोरी है मेरा, आगे मैंने क्या किया, फिर क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, क्या क्या, कितने पैसे खर्च हुए, कितना टाइम लगा, ये सारा मैं बताऊँगा, ठीक है, एक्सप्लेन करके। सो सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक कर देना, ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ वैल्यू मिला है और आपको आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। इन ओवर द टाइम पीरियड मैं इस पे, इसी चैनल पे मैं सॉल्यूशन भी डालूंगा, रीज़न डालूंगा, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या ध्यान रखना है आपको, सारी चीज़ें मैं डालूंगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी क्लिक करो। अगर पूरा फुल पैकेज चाहिए मैसेज करो यार, ठीक है, मैसेज करो, आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ, नेक्स्ट पार्ट मेरा देखो सीरीज़ को, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कैसे क्या होता है, ठीक है, मैच कर पाओ करना। चलो ठीक है।